हाय गाइस, हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल टेक्निकल सिविल। डिजाइन ऑफ आरसीसी फाउंडेशंस की वीडियो सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। आप सभी को पता होगा कि हमने अब तक इस वीडियो सीरीज के 4 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं और आज फिलहाल आप देख रहे हो इस सीरीज का लेक्चर नंबर 5। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, लेक्चर नंबर 4 में, कि सॉइल डिज़ाइन के जो जनरल कंसिडरेशंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और इसेंट्रिकली लोडेड कॉलम्स के लिए फुटिंग्स कैसे और कौन से प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, ये हमने लेक्चर नंबर 4 तक अच्छी तरह से देख लिया था। जिन लोगों ने अब तक नहीं देखा है उनके लिए हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी लेक्चर्स की लिंक दे रखी है या फिर हमारे एप्लीकेशन पे ये सारे लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से भी उन्हें देख सकते हो। अब आज इस लेक्चर नंबर 5 में हम बात करेंगे कॉन्क्रीट पेडेस्टल की। ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए समझना कि कंक्रीट पेडेस्टल क्या होते हैं, ये कहाँ लगाए जाते हैं, ये कैसे दिखते हैं, ये क्यों लगाए जाते हैं, इनके एडवांटेजेस क्या होते हैं और उसको किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम आज के इस लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं। तो आप सभी से गुजारिश ये रहेगी कि पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आखिर तक इस वीडियो को देखो। चलो तो शुरू करते हैं कंक्रीट पेडेस्टल को। देखिए, कंक्रीट पेडेस्टल की व्याख्या या इसकी डेफिनेशन को बताने से पहले मुझे आपको ये बताना जरूरी है कि ये दिखते कैसे और ये आते कहाँ पर है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर लगाए हैं तो उसका रीजन क्या है। ठीक है, तो देखिए आपके सामने कुछ पिक्चर्स यहाँ पर हैं छोटे मोटे, ये आपको बेसिक आइडिया देने के लिए मैंने बताए हैं। आपके राइट हैंड साइड पर जो आपको ये पिक्चर दिख रहा है, इस पिक्चर के अंदर एक स्टील कॉलम है और नीचे ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है कंक्रीट का, ठीक है, आप देख पा रहे होगे इसको, ये जो कंक्रीट का पोर्शन पूरा दिख रहा है आपको, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं पेडेस्टल। ये है पेडेस्टल और ये जो पेडेस्टल है ये पीसीसी से बना हुआ पेडेस्टल है। ठीक है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, ठीक है, तो ये पीसीसी का पेडेस्टल है। ये स्टील कॉलम ऊपर है और ये नीचे, उसके नीचे जो है ये पीसीसी का पेडेस्टल है। उसके बाद अगर हम आरसीसी कॉलम की बात करें तो देखिए ये जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पर पिक्चर है, ये आरसीसी कॉलम के नीचे ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है ये पूरा, ये इसको हम कहेंगे आरसीसी पेडेस्टल। आरसीसी कॉलम के नीचे आरसीसी पेडेस्टल आएगा, ठीक है, उसके नीचे फुटिंग आती है। ठीक है, तो ये दो डिफरेंट डिफरेंट तरह के पेडेस्टल आपने देख लिए, आरसीसी और एक पीसीसी। जो जनरली स्टील कॉलम्स होते हैं उनके नीचे पीसीसी पेडेस्टल अप्लाई बनाए जाते हैं, प्रोवाइड किए जाते हैं, और जो आरसीसी कॉलम्स होते हैं उनके नीचे आरसीसी पेडेस्टल लगाए जाते हैं। इनके भी रीजन होते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, चलिए अब अगर हम इनको देखें अच्छी तरह, समझे और चीजें इसके अंदर, तो जो इनका लोकेशन होता है पेडेस्टल्स का, ये क्या होता है, तो आपका जो कॉलम बॉटम है, कॉलम का बॉटम और फुटिंग का टॉप, उनके बीच में जो है ये जो आपका पेडेस्टल है वो लगाया जाता है, ये प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, अगर आप इस बीच वाले जो आप नीचे जो फिगर है ये स्लो फुटिंग वाला, ठीक है, उसके अंदर भी देखो तो ये आपका स्लो फुटिंग है और ये आपका कॉलम है और उन दोनों के बीच ये जो है एक पेडेस्टल है। अब आप सोच रहे होगे कि ये पेडेस्टल आखिर हम लगाते क्यों हैं, क्या ऐसे रीज़न है जिसकी वजह से हम बीच में पेडेस्टल लगा देते हैं। देखिए, इसको समझना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, बेसिकली इसके दो रीज़न बहुत ज़रूरी है समझना आप लोगों के लिए और वो बहुत इंपॉर्टेंट है रीज़न दोनों की इसको प्रोवाइड करने के। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि अगर हम पेडेस्टल प्रोवाइड नहीं करते तो होता यह है कि जो सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनता है आपके फुटिंग के नीचे का, वो कुछ इस तरह से बनता है, एक नॉन यूनिफॉर्म तरह का होता है, ठीक है, बीच में ज़्यादा होता है। लेकिन जब हम पेडेस्टल प्रोवाइड कर देते हैं, आप अगर इस पिक्चर को देखोगे, जब हम पेडेस्टल प्रोवाइड करते हैं तो उससे होता क्या है कि ये जो लोड डिस्पर्शन होता है, ये इसका जो एरिया होता है वो बढ़ जाता है, ये लार्जर एरिया में डिस्पर्स होता है, लार्जर एरिया में स्प्रेड हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि काफ़ी हद तक जो आपका सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सॉइल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, वो एक यूनिफॉर्म तरह से वहाँ पर बनता है। तो ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसका एडवांटेज है, एक रीज़न है जिसकी वजह से इसको लगाया जाता है बीच में, कि जिससे जो आपका फुटिंग एरिया है वो आपको और भी ज़्यादा इफेक्टिव आपके लिए रहे, इफेक्टिव वर्क आए उसके अंदर। ठीक है, तो ये एक रीज़न था इसका। दूसरा रीज़न अगर देखें इम्पॉर्टेंट, तो वो ये है कि इससे जो पंचिंग शेयर होता है उसको ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलता है। देखिए, अगर हम बात करें कि एक ऐसा कॉलम है जिसमें हमने पेडेस्टल अप्लाई या प्रोवाइड नहीं किया है, पेडेस्टल प्रोवाइड नहीं किया तो इसका जो पंचिंग शेयर रेजिस्टिंग जो प्लेन होता है, जो एरिया होता है, सेक्शन होता है, वो कम होता है। अगर आप इस पिक्चर में भी देखोगे तो आपको समझ में आएगा।
लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर पेडेस्टल को प्रोवाइड कर दिया, उससे क्या होता है कि ये जो क्रिटिकल जो उसका सेक्शन हो गया वो बढ़ गया, मतलब पंचिंग शीयर को रेजिस्टेंस जो हो रहा है वो बढ़ गया यहाँ पर। तो इससे रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से जो पंचिंग शीयर के या शीयर फेलियर के जो चांसेस होते हैं इसके अंदर वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। ठीक है, ये कुछ उसके इंपॉर्टेंट कारण थे जिसकी वजह से हम पेडेस्टल को यहाँ पर लगाते हैं। और जो स्टील कॉलम होते हैं उनके नीचे पेडेस्टल को लगाने का एक दूसरा एक अलग से ये भी रीज़न होता है कि भाई हमें पता है कि स्टील को हम डायरेक्टली इन कॉन्टेक्ट विद सॉइल नहीं रख सकते, इसलिए उससे बचाने के लिए भी हम वहाँ पर उसको पेडेस्टल लगाते, तो वो उसके लिए भी उसका जो पर्पज़ है वो सर्व करता है। ठीक है, तो ये तरह तरह के और भी इसके कई सारे रीजन्स हैं। ठीक है, लेकिन ये जो मैंने आपको बताया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन्स है जिसकी वजह से हम पेडेस्टल इन बिटवीन द कॉलम एंड फुटिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब देखिए इनको हमें डिज़ाइन करना होता है, हम इसको ऐसे ही नहीं लगा देते कि चलो हमारा मन हुआ तो हमने बीच में किसी भी डायमेंशन से हमें लगा दिया, नहीं, इसके क्रॉस सेक्शन तय होते हैं, इसका प्लांट डायमेंशन तय होता है, इसकी हाइट तय होती है। अब ये किन बेसिस पे तय किया जाता है ये हम आगे एक एग्जांपल लेकर समझेंगे छोटा सा, ताकि आपको और भी अच्छी तरह से ये चीज़ें क्लियर हो जाए। लेकिन उससे पहले आपको आईएस कोडल कुछ प्रोविजंस है, कुछ रेगुलेशंस है, तो वो हम देखेंगे वो क्या है। तो देखिए आईएस कोड जो है हमारा 456/2000 वो आपको कहता है, उसका क्लॉज नंबर 34.1.3 आपको कहता है कि इन केस ऑफ प्लेन कॉन्क्रीट पेडेस्टल्स द एंगल बिटवीन द प्लेन पासिंग थ्रू द बॉटम एज ऑफ द पेडेस्टल, बॉटम एज ऑफ द पेडेस्टल, ठीक है, एंड द कॉरस्पॉन्डिंग जंक्शन ऑफ द कॉलम विथ पेडेस्टल, कॉलम विथ, ये कॉलम है आपका और ये पेडेस्टल है, तो ये जंक्शन हो गया। ठीक है, उसका तो हॉरिजॉन्टल एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन शैल बी गवर्न्ड बाय दिस एक्सप्रेशन, मतलब ये एक्सप्रेशन से गवर्न होना चाहिए। और ये एक्सप्रेशन क्या है, इट इज नथिंग बट टेन अल्फा शुड नॉट बी लेस देन 0.9 अंडर रूट ऑफ 100 क्यू नोट बाय एफ सी के प्लस 1। क्यू नोट इसमें क्या होता है, ये कैलकुलेटेड बेयरिंग प्रेशर होता है। ठीक है, ये हम आगे देखेंगे इसको कैलकुलेशन के दौरान। ठीक है, तो ये देखिए ये बेसिकली आपको आई एस कोड यहाँ पर रेगुलेट कर रहा है। ठीक है, ये जो टेन अल्फा होता है इसकी वैल्यू इससे कम नहीं होनी चाहिए, इस एक्सप्रेशन से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना, और ये एक्सप्रेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है वाइल यू आर डिजाइनिंग द पेडेस्टल। ठीक है, ये कैसे मायने रखता है वो हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं कि एक आपके पास स्टील कॉलम है, हम स्टील का एग्जाम्पल ले रहे हैं फिलहाल अभी, आगे जब हम आइसोलेटेड फुटिंग की ओर बढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं आपको पेडेस्टल जो फुटिंग्स होते हैं ठीक है उसके अंदर बताऊँगा आरसीसी के साथ साथ, कि जब आरसीसी पेडेस्टल प्रोवाइड करते हैं तो उसके अंदर जब स्टील हम प्रोवाइड करते हैं तो वो हमें कैसे प्रोवाइड करना होता है, उसके अलग से क्या आपको चीज़ें ध्यान रखनी होती है। फिलहाल हम एक सिंपल चीज़ समझने के लिए एक हमारा स्टील कॉलम ले लेते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं हम लोग। ठीक है, कि भाई आपका एक स्टील कॉलम है और ये जो स्टील कॉलम है ये 600x600 का है आपका एमएम का। ठीक है, 600x600 का एक स्क्वायर स्टील कॉलम है। ओके, और इस कॉलम के नीचे जो बेस प्लेट आपको प्रोवाइड कर रखी है, बेस प्लेट की बात अगर मैं करूँ क्या होती है बेस प्लेट, मैं आपको बताता हूँ एक मिनट। देखिए हम थोड़ा पीछे जाते हैं और ये जो स्टील कॉलम आप देख रहे हो आपके राइट हैंड साइड पर, ठीक है, तो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ना, मैं ये जो आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर रेड लाइन से, ठीक है, ये जो पूरा प्लेट है बॉटम में प्रोवाइड की गई, इसको हम बेस प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, बेस प्लेट कहते हैं, विच इज प्रोवाइडेड अंडर द कॉलम, अंडर द कॉलम। ठीक है, तो ये जो बेस प्लेट है इसके डायमेंशन हमें दे रखे हैं कि भाई ये 750x750x16 mm। ठीक है, मतलब कि अगर हम इसको यहाँ पर इस फिगर से ही देख लें तो मैं आपको और चीज़ें कि भाई ये जो हमें इसकी जो ये डायमेंशन दे रखा है ये 750 हमने लिया है, ये जो डायमेंशन है ये भी हमने 750 लिया है। ठीक है, और जो इसकी थिकनेस हो रही है ना वो हमने 16 mm कंसिडर की है। ठीक है, तो ये बेस प्लेट हमें दे रखी है और ये जो कॉलम है हमने इसको माना है कि भाई ये 600x600 का कॉलम है। ठीक है, ओके, इतना समझ में आ रहा है। और जो कॉलम है वो आपका जो एक्सियल लोड उसके ऊपर लग रहा है, कॉलम के ऊपर, ठीक है, अगर हम कॉलम की बात करें एक्सियल लोड की, तो लोड ऑन कॉलम, हम ले लेते हैं इसको 160 kN। ठीक है, लेट सपोज दैट 160 kN इज एक्सियल लोड कमिंग ऑन कॉलम, तो ये कॉलम का लोड था।
अब आपको क्या करना है कि इसके लिए एक पेडेस्टल बढ़िया सा डिजाइन करना है, मतलब एज अ फुटिंग वहां पर वो एक्ट करेगा बट इट इज अ पेडेस्टल। तो ये पेडेस्टल डिजाइन करना है, तो उससे पहले हमें एक काम करते हैं, यहाँ पर एक पैरामीटर की जरूरत पड़ेगी आपको अलाउबल बेयरिंग प्रेशर की, और उसको हम 200 ले, 180 ले, जो भी हम 100 लेते हैं ठीक है, वी कैन कंसिडर 100 एज वेल। तो हम यहाँ पर 100 मान लेते हैं कि भाई 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपका जो है अलाउबल सॉइल बेयरिंग प्रेशर है आपका, ठीक है, क्या है, विच इज 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये था हमारा सारा पैरामीटर, इसका सारी वैल्यूज। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब हम प्लेन कंक्रीट के जो बनाते हैं पेडेस्टल, तो उसके अंदर जो कंक्रीट ग्रेड यूज होता है वो मिनिमम M20 का ही यूज किया जाता है, ठीक है, ये आपका मिनिमम ग्रेड होता है पीसीसी के लिए, मैं बात कर रहा हूँ ठीक है, पीसीसी की बात कर रहा हूँ, मिनिमम ग्रेड इसका होता है M20 का, ठीक। तो यहाँ पर हम M20 का ग्रेड यूज कर लेते हैं। तो ये सारा डेटा आपके सामने है, अब इसके मुताबिक आपको क्या करना है, एक बढ़िया से पीसीसी पेडेस्टल को डिजाइन करना है। और डिजाइन में क्या करना होता है, तो मैंने आपको बताया डिजाइन में हम बेसिकली करते क्या है, तो इस पेडेस्टल की डिजाइन में हमें करना ये होता है कि ये जो इसकी डायमेंशन है और ये डायमेंशन, ठीक है, ये दो डायमेंशन आपको निकालनी है, और साथ ही साथ इसकी हाइट आपको निकालनी होती है, तीन डायमेंशन आपको इसके निकालने होंगे, ठीक है। चलिए तो देखते हैं किस तरह से निकाले जाते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें करना क्या होगा, सबसे पहले अगर बात करें हम लोग इसके सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं, ठीक है, सबसे पहली चीज हमें ये देखना होगा कि कॉलम की तरफ से जो लोड था वो कितना, ये सेम कैलकुलेशन है जो हमने पहले किया है, ठीक है, तो कुछ नया नहीं, अगर आपने पहले हमारे वीडियोस को देखा होगा तो आपको पता होगा, ठीक है, कि कॉलम लोड जो आ रहा है वो कितना है, दैट इज 160 किलो न्यूटन, ठीक है। और इसकी अभी जो हमारा पेडेस्टल होगा उसका सेल्फ वेट होगा कुछ, तो वो कितना है, हम जब फुटिंग की बात करते थे ना, हमारे फुटिंग की, तो उसमें हम 10% लेते थे, ठीक है, यहाँ पर हमें जो है पेडेस्टल के केस में हम 50% ले रहे हैं, ठीक है, इन केस ऑफ पेडेस्टल वी आर टेकिंग एज इट इज 50%, ठीक है। तो इसका हम क्या करेंगे, 50% ले रहे हैं, याद रखिए ये इन केस ऑफ पेडेस्टल हम ले रहे हैं, ठीक है। अगर हम फुटिंग की बात कर रहे होते हैं, जो हम कॉलम के नीचे फुटिंग प्रोवाइड करते हैं, तो फुटिंग के दौर पे हम वहां पर 10% ऑफ कॉलम लोड लेते हैं, बट यहाँ पर हम 50% ले रहे हैं, बट इन केस ऑफ पेडेस्टल, तो यहाँ पर इसका 50% मतलब आधा हो जाएगा, तो ये 80 हो गया। इसका मतलब टोटल जो लोड अब बॉटम में ट्रांसफर होगा पेडेस्टल के बाद वो कितना होगा, तो वो होगा हमारे पास यहाँ पर 240 किलो न्यूटन का, ये टोटल लोड जो ट्रांसफर हो रहा है वो है, ठीक है। तो इसके मुताबिक, इस लोड के मुताबिक हमारा जो पेडेस्टल होगा उसका एरिया कितना रिक्वायर्ड है उसके लिए, इस लोड के मुताबिक पेडेस्टल के लिए जो एरिया है वो कितना रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई पेडेस्टल एरिया रिक्वायर्ड वो कितना है, तो इसके लिए बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारा लोड था आ रहा है वो डिवाइड बाय हमारा अलाउबल बेयरिंग प्रेशर, तो इसके मुताबिक अगर देखा जाए तो ये 2.4 मीटर स्क्वायर का इसका एरिया रिक्वायर्ड आ रहा है, मतलब इस लोड के मुताबिक आपके लिए जो पेडेस्टल का एरिया रिक्वायर्ड है वो आपका 2.4 मीटर स्क्वायर है। अब हमें क्या करना है कि हमारा जो पेडेस्टल है उसके प्लान डायमेंशन को पहले फिक्स करना है, ठीक है। तो हमें ये डायमेंशन और ये डायमेंशन दोनों निकालने होंगे। अब हमें पता है कि ये जो आपका कॉलम है ना, ये पूरा स्क्वायर कॉलम है, स्क्वायर कॉलम है, तो हम इसके अंदर जो पेडेस्टल प्रोवाइड करेंगे वो भी स्क्वायर ही करेंगे, ठीक है। तो स्क्वायर पेडेस्टल अगर प्रोवाइड करेंगे तो करना क्या होगा, इसके लिए अगर डायमेंशन निकालने, तो इसका अंडर रूट कर देंगे हम लोग, क्या करेंगे, ये जो हमारा 2.4 की वैल्यू आई थी इसको अंडर रूट कर दो, तो आपको इसकी वैल्यू आराम से मिल जाएगी, ठीक है। तो हम इसकी अंडर रूट करने के बाद हम इसकी वैल्यू मान लेते हैं कि भाई अगर आप कैलकुलेट करोगे इसको, ठीक है, तो हम प्रोवाइड कर देते हैं इसके अंदर डायरेक्टली कि भाई 1.6 आ रहा है, ठीक है, प्रोवाइड हम कर देते हैं डायरेक्टली इसके अंदर, इसको अंडर रूट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, देख लीजिएगा, तो 1.65 बाय 1.65 का आपका जो है ये साइज आ रहा है पेडेस्टल का, ठीक है, पेडेस्टल साइज आ रहा है आपका 1.65, मतलब हम कह सकते हैं कि भाई ये 1.65 हो रहा है और ये 1.65 हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, इसका प्लान डायमेंशन तो देख लिया, मतलब अगर हम उस फिगर को देखें यहाँ पर कि भाई हमने क्या किया, अगर आपके सामने जो ये राइट हैंड साइड पर जो फिगर है ना उसके ऊपर आप देखें, तो ये हमारा कितना आ गया 1.65 और ये हमारा कितना आ गया 1.65, ठीक है। तो ये पेडेस्टल का प्लान डायमेंशन हमने देख लिया। अब बात आती है पेडेस्टल की हाइट की, कि
इसकी हाइट आप निकालनी है तो किस तरह से निकाली जाए। ठीक है, तो देखिए अब हम हाइट की अगर बात करें तो हाइट हमें निकालनी है, लेकिन उससे पहले एक चीज और यहां पर रही है बाकी, वो क्या रही है? तो जो आपकी यहाँ पर बेस प्लेट है ना, ये हमने देखा यहाँ पर कि हमने बेस प्लेट भी यहाँ पर प्रोवाइड कर रखी थी। ठीक है, तो बेस प्लेट मतलब ये वाली प्लेट जो आपको मैंने बताई, ठीक है, ये वाली जो मैं रेड सर्कल कर रहा हूँ ना उस एरिया पे, ये आपकी बेस प्लेट है पूरी। ठीक है, तो इस बेस प्लेट के आगे ये जो बेस प्लेट, तो यहां से लेकर यहां तक का जो एरिया है, ये देख लेगा, ध्यान से देखिएगा इस चीज को। ठीक है, ये जो प्रोजेक्शन है ये कितना होगा, बेस प्लेट के बाहर का जो प्रोजेक्शन है आपका पेडेस्टल का वो कितना होगा, ये आपको कैलकुलेट करना, उसके बाद हाइट पे जाना होगा आपको। ठीक है, तो ये किस तरह से आप कैलकुलेट करोगे, तो इसका मामला बड़ा ही आसान है, बड़ा ही सिंपल है। चलिए हम देखते हैं, इसको समझते हैं किस तरह से करोगे आप लोग इसको। तो हम मान लेते हैं भाई कि ये हमारा जो है बेस प्लेट है, लेट सपोज दिस इज अवर बेस प्लेट। ठीक है, और जो बेस प्लेट का जो आपका एरिया था वो कितना था, 750 का, हम इसको कह सकते हैं 0.75, है ना, बेस प्लेट हमारा 0.75 का था। और हमारा जो ये हम कह सकते हैं कि जो फुटिंग, या हम कह सकते हैं इसको पेडेस्टल का जो हमारा डायमेंशन आ रहा है, प्लांट डायमेंशन, वो कितना आ रहा था हमारे पास, दैट इज 1.65 और ये 1.65। हमें निकालना है ये जो प्रोजेक्शन हो रहा है ये कितना है। ठीक है, ये हमें प्रोजेक्शन निकालना है, और सिमिलरली ये एक निकालोगे तो दोनों एक स्क्वायर है, दोनों स्क्वायर है तो हमको मिल जाएगी। ठीक है, किस तरह से निकालोगे आप, ये बड़ा आसान सा है, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना होगा आपको इसके अंदर, कोई मुश्किल नहीं है, कन्फ्यूजन होने की इसमें कोई बात नहीं है। चलिए, तो देखिए करना क्या होगा आपको, कि आपको पता है कि आपके पास 1.65 का एक डायमेंशन है, जो आपको पता है कि ये कुल डायमेंशन 1.65 का है। इसमें से आपने माइनस करना है क्या, ये जो बेस प्लेट है वो, तो बेस प्लेट माइनस मतलब 0.75 माइनस, मतलब 750 एमएम माइनस कर दिया आपने। ठीक है, हमने क्या किया कि इस पूरे बीच वाले पोर्शन को ही माइनस कर दिया। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि ये आधा प्रोजेक्शन इधर होगा और ये कुछ हिस्सा आपका इधर प्रोजेक्ट होगा, इसका मतलब ये जो भी आपकी वैल्यू आएगी इसको आपको डिवाइड बाय 2 करना होगा, क्योंकि एक साइड इधर है एक साइड इधर है, दो तरफ ये डिवाइड होगा। ठीक है, तो 1.65 माइनस ये प्रोजेक्शन, तो आपकी इसकी वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये 0.45 मीटर, मतलब 450 mm आ रही है। इसका मतलब समझ रहे हो आप लोग, इसका मतलब अगर हम इस फिगर के हिसाब से समझे तो ये जो प्रोजेक्शन है ये आपका 450 mm निकल रहा है, मतलब यहां से लेकर यहां तक ये बेस प्लेट से बाहर जो प्रोजेक्शन हो रहा है आपका इस पेडेस्टल का वो 450 mm हो रहा है। ठीक है, और क्योंकि ये स्क्वायर है तो इधर से 450 mm, तो इधर से भी क्या होगा, ये आप ध्यान से देखिएगा जरा। ठीक है, इधर से भी क्या होगा, ये 450 mm, इधर से भी 450 mm। ठीक, बड़ी सिंपल चीज थी, हमने क्या किया कि दोनों तरफ से हमारे पेडेस्टल के प्रोजेक्शन को निकाल लिया है। ओके, इसमें कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर हमारी एप्लीकेशन के जरिए भी आप हमसे डायरेक्टली वहां पर इंटरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चल तो यहां तक आपको आइडिया आ चुका होगा कि हमने पेडेस्टल के डायमेंशन को किस तरह से निकाला है, प्लांट डायमेंशन। अब हम बात करेंगे इसकी हाइट को, हाइट को लेकर कि हाइट किस तरह से निकाली जाए। देखिए, हाइट निकालने के लिए आपको जो IS कोड का वहां पर एक एक्सप्रेशन दे रखा था कि 10 अल्फा जो है इट शुड नॉट बी लेस देन 0.9 अंडर रूट ऑफ 100 क्यू नोट डिवाइड बाय FCK प्लस 1, ये आपको एक्सप्रेशन दे रखा था। ठीक है, 34.1.3 के अंदर क्लॉज नंबर, तो इसके अंदर अब देखिए क्यू नोट जो है ना ये क्या है, देखिए क्यू नोट इज नथिंग बट कैलकुलेटेड बेयरिंग प्रेशर। अब ये प्रेशर मतलब होता है क्या है, तो लोड अपॉन एरिया होता है, दैट इज सिंपल द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर इज लोड अपॉन एरिया। आपके पास लोड आपको पता है कितना है, हमारे पास टोटल जो लोड आ रहा है हमें पता है 240 का है। ठीक है, अब ये प्रेशर है तो हम इसको क्या करते हैं ना, इसको mm में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, मतलब ये न्यूटन पर mm हो जाएगा पूरा, तो हम इसको इंटू 10^3 कर देते हैं, डिवाइड बाई एरिया, हमें पता है कि जो एरिया हमारा है हमारे पेडेस्टल का वो कितना है, 1.65 आया था, मतलब इसको हम mm में कन्वर्ट कर दे तो ये 1650 इंटू 1650 ये उसका एरिया हो गया, मतलब लोड अपॉन एरिया। इसको अगर कैलकुलेट करोगे आप तो इसकी वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ पर 0.088 न्यूटन पर mm स्क्वायर।
ये आपकी क्यू नॉट मतलब कैलकुलेटेड बेयरिंग प्रेशर की वैल्यू आ गई, ठीक है, इस इक्वेशन के लिए। अब एफ सी के क्या होता है, तो एफ सी के इज नथिंग बट इट इज द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट आफ्टर 28 डेज। मतलब हमारे पास ये ग्रेड पर डिपेंड करता है, हमारा जो ग्रेड है हमने लिया था M20 का, तो 20 जो है इसके अंदर ये एफ सी के है इसकी, ठीक है, तो हमारे पास मतलब एफ सी के की वैल्यू भी बाकायदा है। ओके, इसमें आप कोई ऐसी चीज जो है वो अननोन है, ऐसी कोई चीज नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्रोसीड करते आगे कि भाई टेन अल्फा शुड नॉट बी लेस देन 0.9 अंडर रूट ऑफ 100, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 100 इंटू 0.088 डिवाइड बाय हमारा जो एफ सी के था वो 20 प्लस। इसको कैलकुलेट करें, इसको आप और भी कैलकुलेट करोगे तो ये निकलेगा टेन अल्फा शुड नॉट बी लेस देन, अगर इसको कैलकुलेट करें तो 1.08। मैं बहुत ज़्यादा डीप कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ इसके, ठीक है, तो आप इसको आराम से कर लीजिएगा, कन्फ्यूजन क्या होता है तो आप मुझे पूछ सकते हो। चल, तो ये आपकी वैल्यू आ गई, मतलब टेन अल्फा जो है वो आपका 1.08 से कम नहीं होना चाहिए, टेन अल्फा की ये आपकी एक रिलेशन आपके सामने यहाँ पर बिल्ड हो गया। अब देखिए, इससे आप सोचोगे कि हम हाइट आप कैसे निकालें, तो आपको पता है कि हमारा जो एंगल आपको वहां पर समझ में आ रहा होगा, ये जो है यहाँ पर आप ये हमारा ये जो है ना ये हमें पता है दैट इज 450, हमने अभी निकाला था, ये प्रोजेक्शन है हमारा, मैं आपको बताता हूँ, चले ये क्या है हमारा, ये प्रोजेक्शन है हमारे पास, ठीक है, तो ये कितना हो रहा है, हाँ चलिए इस फिगर को देख लीजिए जरा, इस फिगर को देख लीजिए, ठीक है, ये जो है ना ये हमारा आउटर प्रोजेक्शन है, ठीक है, और ये आपका इस तरह से, तो देखिए ये जो प्रोजेक्शन है ये हमें पता है हमारा 450 है, 0.45 निकला था हमारा, ठीक है, तो 450 mm का प्रोजेक्शन है, लेकिन ये हाइट जो है ना ये अभी हमारे लिए अननोन है, तो 10 अल्फा आपको क्या कहेगा यहाँ पर, 10 अल्फा इज इक्वल टू नथिंग बट इट इज द ये जो आपका है ये जो हाइट है आपकी, ठीक है, तो हाइट डिवाइड बाय 450, ये होता है 10 अल्फा, क्या होगा यहाँ पर 10 अल्फा, इट इज नथिंग बट इट इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, वही होता है, ठीक है, तो यहाँ पर ये हाइट अपॉन 450 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वही चीज अप्लाई करेंगे, वही चीज यहाँ पर अप्लाई हम कर रहे हैं, दैट इज नथिंग बट 10 अल्फा इज इक्वल टू हम कहें अगर कि भाई हाइट अपॉन 450, ठीक है, वी शुड नॉट बी लेस देन 1.08। अब हम यहाँ पर एक्सप्रेशन ये बना सकते हैं कि भाई हाइट डिवाइड बाय 450 शुड नॉट बी लेस देन 1.08। इसको अगर ऑल हम सॉल्व करें, मॉडिफाई करें, तो हम कह सकते हैं कि एच शुड नॉट बी लेस देन 1.08 इंटू 450। ये वही मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, बड़ा आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसको हम अगर और भी आगे खींचे, और भी आगे ले जाए इसको, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाती है कि भाई एच शुड नॉट बी लेस देन 486 mm, ये आपकी एक वैल्यू यहाँ निकल कर आ रही है। इसका मतलब पता है क्या हो रहा है कि IS कोड के मुताबिक आपकी जो हाइट है वो 486 से कम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, उससे ज्यादा ही होनी चाहिए, ठीक है, आपकी वैल्यू। तो करना क्या है आपको, अब आपको सिंपल चीज है भाई, आप 500 इसकी हाइट दे दो, इसकी हाइट आप 500 mm दे दो, 600 mm दे दो, दैट इज ओके, ठीक है, 550 दे दो, 650, मतलब शर्त ये थी कि आपकी 486 से कम आपकी हाइट नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए हम इसको 500 दे देते, चले हम 500 इसकी हाइट को कंसिडर कर लेते, 500 है। इसका मतलब क्या था कि हमारे इस पूरे पेडेस्टल के अंदर अगर हम देखें तो हमने क्या किया, पहले प्लांट डायमेंशन निकाला, हमने प्लांट डायमेंशन निकाला ये वाला और ये वाला, हमारा स्क्वायर फुटिंग था, स्क्वायर पेडेस्टल था, ठीक है, तो ये 1.65 आ रहा था, ठीक है, और ये भी 1.65। रही बात हाइट की, तो हमने हाइट को भी निकाल लिया, ठीक है, हाइट हमने दे दिया इसकी 500, हमने हाइट दे दिया 500, तो यहाँ पर इसकी डिज़ाइन आपकी मुकम्मल हो जाती है, इसकी कंप्लीट हो जाती है, मतलब इसके अंदर आपको और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत साधारण है, बहुत आसान है। अब जो RCC के जो पेडेस्टल होते हैं उनके अंदर क्या आपको ध्यान रखना होता है, जब हम आइसोलेटेड फुटिंग देखेंगे, RCC आइसोलेटेड फुटिंग, ठीक है, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा और भी ज़्यादा डिटेल में कि, और वहाँ पर सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक करेगी, इंटर रिलेट करेगी, तो मैं आपको बताऊंगा कि वो एक दूसरे के रिलेटेड जो चीज़ें होती है RCC के अंदर
वो आपको कैसे वहां पर कनेक्ट करनी होती है और कैसे उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए आरसीसी पेडेस्टल को डिजाइन करना होता है। ठीक है, तो ये था बेसिक और सिंपल आसान पीसीसी पेडेस्टल की डिजाइन का तरीका और इसके डायमेंशंस को निकालने का तरीका। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर हो, कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो या आपको लगता है कि मैंने कुछ ऐसे गलत किया है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे बेझिझक कमेंट कीजिए या फिर आप हमें हमारी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके वहाँ पर टेक्निकल सिविल को डायरेक्ट मैसेज करो, वहाँ पर भी हम आपके लिए जवाब के लिए हाजिर रहते हैं। आप इंस्टाग्राम पर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो, आपके लिए आपके पास तरह तरह के ऑप्शन है हमें कॉन्टेक्ट करने के। टेक्निकल सिविल का टेलीग्राम चैनल है, फेसबुक ऑफिशियल पेज है हमारा टेक्निकल सिविल का, इंस्टाग्राम हैंडल है, हमारी एप्लीकेशन है, हमारी वेबसाइट है, लॉट्स ऑफ वेज दैट यू कैन कॉन्टेक्ट विद अस। ओके, तो इस तरह से आप हमें कॉन्टेक्ट कीजिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो पूछिए। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 6, मैं आपको बता दूँ अभी से, लेक्चर नंबर 6 जो हमारा होगा वो अब वहाँ से हम शुरू करने वाले हैं आइसोलेटेड फुटिंग के बारे में डिटेल में चर्चा करना। ठीक है, आइसोलेटेड फुटिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन रहेगा इस पूरे सीरीज का। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम कंबाइंड फुटिंग को भी देखेंगे, पाइल फुटिंग को भी देखेंगे, लेकिन अभी बारी आ रही है आइसोलेटेड फुटिंग के अंदर। तो आइसोलेटेड फुटिंग में तरह तरह की फुटिंग्स होती है, इसमें स्लो फुटिंग है, स्टेप फुटिंग है, पैड फुटिंग है, पेडेस्टल फुटिंग है, इसमें कंबाइंड फुटिंग है, बहुत सारी चीज़ें अलग आ रही है आगे भी, तो वो सारी चीज़ें हम बिल्कुल डिटेल में देखेंगे। और जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स की जो फुटिंग्स होती है वो भी हम इसमें देखेंगे भी, ताकि आपको चीज़ें क्लियर होती जाए। देखिए, एक तरफ से हम क्या कर रहे हैं ना कि आपको मैनुअल डिज़ाइन सिखा रहे हैं, दूसरी तरफ से आपको प्रैक्टिकल जो कोर्सेस होते हैं हो रहे हैं इसके, जो सॉफ्टवेयर के अंदर जो इसको समझ के पूरे एनालिसिस और डिज़ाइन की जाती वो भी साथ साथ में सिखा रहे हैं। तो इससे होगा क्या कि आप बड़ी मजबूती से अपना बेस बनाकर बाहर मार्केट में लॉन्च होगे। तो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ है आप लोगों के लिए कि आप लोगों को ये सीखने को मिल रहा है और ये अवसर आपको मिला है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक सब कुछ अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो हमारे इस वीडियो को, इस लेक्चर को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी हमारे इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए। और बहुत सारी चीज़ें हम आप लोगों के लिए नई नई लेकर आ रहे हैं हमारे इस टेक्निकल सिविल प्लेटफॉर्म के ऊपर, आपकी सपोर्ट और प्यार की वजह से। तो हमें उम्मीद है कि आगे भी आप लोग हमें इसी तरह से सपोर्ट और प्यार करते रहोगे। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे इसी सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप देखते रहिएगा टेक्निकल सिविल। धन्यवाद।